हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल द हिंदुस्तानी अनबॉक्सर पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक बहुत शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा साउंड सिस्टम से संबंधित एक टॉपिक है कि हम जो बाजार से हमारे जो नॉर्मल जो मजदूर भाई लोग होते हैं या हमारे एरिया के जो छोटे मोटे व्यक्ति होते हैं, तो बाजार से क्या है दोस्तों, वो एक होम थिएटर परचेस ना करते हुए कम बजट रेंज में बॉक्स और मशीन परचेस करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के देखते हैं दोस्तों। हमारे जो घरेलू एम्पलीफायर होते हैं काफ़ी कम रेट में दोस्तों मार्केट में 600-700 रुपये की रेट में मिल जाते हैं, और दोस्तों उनके साथ हमारे जो स्पीकर आते हैं दोस्तों वो लोग परचेस करते हैं। पर उन लोगों की दोस्तों अधिकतर शिकायत कर रही थी कि वो जो साउंड सिस्टम लेकर के जाते हैं वो बोलते हैं कि मुझे उनमें इतना मजा नहीं आता, मतलब जो सिस्टम खरीदा हमने पर वो पैसे वसूल नहीं, उनको साउंड में इतना मजा नहीं आता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ उसी बात का सलूशन कि आप किस प्रकार से एक परफेक्ट क्वालिटी का साउंड सिस्टम जो कि कम बजट रेंज में, ज्यादा से ज्यादा आपका बजट 2500 रुपए, बस इससे ज्यादा मैक्सिमम आपका बजट इससे ज्यादा ऊपर नहीं खींच सकता, तो इस रेंज में आपके लिए बहुत ही शानदार स्पीकर किस प्रकार का आपको खरीदना चाहिए, कैसे स्पीकर खरीदें आप जिससे आपको एक संतुष्टि महसूस हो और आपके जो पैसे बर्बाद ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन मशीन के कनेक्शन कर लिए मेरे स्पीकर में। तो सबसे पहली बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार के स्पीकर इन छोटे एम्पलीफायर जो कि 44-40 एम्पलीफायर होते हैं, जिनमें हमारे जो छोटे छोटे एलिमीटर लगे होते हैं दोस्तों 12 वोल्ट 2 एम्पियर 3 एम्पियर की, तो किस प्रकार के स्पीकर आपने इनमें आप परचेस करें। तो सबसे बड़ी बात तो आपको बड़े साइज की स्पीकर परचेस नहीं करना, जो कि हमारे 10 इंची 8 इंची साइज में आते हैं दोस्तों। आपको इनमें परचेस करना है दोस्तों जैसे कंपनी मेड स्पीकर हो गया, हमारा यूनिवर्सल वगैरह जो कि कुछ कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, वो स्पीकर आप परचेस करिए। सबसे बड़ी बात तो साउंड का सिस्टम, कोई किसी प्रकार का जो साउंड सिस्टम होता है उसमें जो स्पीकर होते हैं कोई कंपनी अच्छी तरीके से शोध कर उसकी मतलब कितना बड़ा उसकी कैबिनेट का साइज रहेगा, किस प्रकार का उसमें स्पीकर सेट करा जाता है, उसके बाद दोस्तों किसी भी प्रकार की कंपनी के स्पीकर में साउंड क्वालिटी आती है। ऐसा नहीं कि आपने एक मन से एक डब्बा बनवाया उसमें स्पीकर लगा दिया फिर आप उससे एक्सेप्ट करें कि इसमें बहुत शानदार साउंड है, ऐसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों, इन एम्पलीफायर के हिसाब से आप खरीदिए दोस्तों हमारे छोटे वाले स्पीकर बोले तो हमारा जो इनके स्पीकर का जो बूफर का जो साइज होता है ये 5 इंची से लेकर 6 इंची तक होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा बड़े स्पीकर आप ना खरीदें इनके लिए। और दोस्तों, अगर आपको बहुत शानदार साउंड क्वालिटी चाहिए तो दोस्तों यही स्पीकर आपके ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि क्या होता है दोस्तों इनकी जो कॉयल का साइज होता है स्पीकर में, जो कॉयल होती है जो सबके स्पीकर का सबसे मुख्य जो चीज़ होती है जो कि जिससे हमारे स्पीकर आवाज़ निकालता है, वॉइस कॉयल बोलती है जैसे हम, वो दोस्तों इसमें होती छोटे साइज की। और ये स्पीकर को जो होते हैं हमारे दोस्तों कम वाट के होते हैं, यानी कि इनकी जो वोल्टेज की मतलब जो बोल सकते हैं हमारी जो मशीन जो होती है हमारी 60 वाट की, मान चलो हमारे एम्पलीफायर तो दोस्तों 30-30 वाट के 35-35 वाट के स्पीकर होते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों मशीन पर लोड नहीं पड़ता। और आपने ये नियम तो देखा ही होगा कि अगर किसी चीज़ पर लोड ना पड़े तो एकदम फ्री चलती है, तो इसी प्रकार का नियम इस पर भी लागू होता है। तो हम इसमें अगर छोटे साइज के स्पीकर का अगर यूज करेंगे तो दोस्तों आपको काफ़ी क्रिस्प और शानदार साउंड क्वालिटी विथ बेस के साथ भी नजर आएगी। आपको मैं इनको चलाकर ही बताऊंगा किस प्रकार का ये साउंड आता है दोस्तों, NCS का गाना मैं प्ले कर बताऊंगा, बस ईयरफोन लगाकर जरूर सुनिएगा। और दोस्तों, ये जो स्पीकर है हमारे आप इन्हें सस्ता मत समझिएगा, मतलब आपका जो 1200-1300 रुपये का बजट होता है दोस्तों उसी बजट में स्पीकर आते हैं। पर बात ये है कि दोस्तों कंपनी मेड स्पीकर होते हैं, कंपनी थोड़ा सा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का थोड़ा पैसा चार्ज करती है, लेकिन देखो हमारा जो साउंड क्वालिटी है बिल्कुल आखिरी साउंड क्वालिटी आपको निकाल कर देगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं बजा कर बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। दोस्तों, मैंने इसकी पेयर की मैंने कनेक्शन निकाल लिया दोस्तों, मैंने जो यूनिवर्सल की पेयर है इसके कनेक्शन इस एम्पलीफायर में करे हैं। अब मैं इसका साउंड भी आपको चलाकर बताता हूँ दोस्तों। इसकी खासियत ये है
किसमें आपको साउंड साइड वाले स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और सामने की तरफ आपको टूटर देखने को मिल जाता है। इसमें साइड में स्पीकर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसका साउंड इफेक्ट किस प्रकार की साउंड क्वालिटी बोर्ड देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो हमारे जो स्पीकर होते हैं दोस्तों आपके होममेड, हमारा जैसा कि आपका टीवी वगैरह है, तो दोस्तों उस टीवी में आप एज अ थिएटर साउंड इफेक्ट पैदा करने के लिए दोस्तों स्पीकर को आप रख सकते हैं। और दोस्तों जो एम्पलीफायर जो भी होते हैं बहुत ही मतलब कम रेट में मार्केट में मिल जाते हैं और रिपेयरेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये मतलब आप ये इन्हें एम्पलीफायर में किसी प्रकार की अगर मिस्टेक आ जाती है तो आप इससे कम से कम मतलब रेट में आप आसानी से सुधरवा सकते हैं। दोस्तों आपकी किसी भी एरिया में दोस्तों 44-40 एम्पलीफायर होता हमारा कहीं भी सुधर सकता है। आप चाहो तो उसे घर पर भी सुधार सकते हैं दोस्तों। 25-30 रुपए की आईसी आती है मात्र उसकी। तो दोस्तों ये हमारे एम्पलीफायर थे और मेरा आज का वीडियो का मोटिव भी यही था कि दोस्तों अगर इस प्रकार का एम्पलीफायर लेते हैं तो आप उसमें छोटे स्पीकर लीजिए, 4 इंची 5 इंची 6 इंची स्पीकर लीजिए। और कंपनी मेड स्पीकर लेते हैं तो दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी का साउंड देखने को मिल जाता है। आप बड़े बड़े स्पीकर मत लीजिए क्योंकि दोस्तों वो बड़े जो स्पीकर हैं वो इसलिए बने हुए कि दोस्तों वो बड़े बड़े एम्पलीफायर में चलाने के लिए हैं। जैसे हमारे ट्रैक्टर वगैरह का जो साउंड सिस्टम होता है दोस्तों उनमें चिल्लाने वाले स्पीकर बोल सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी वाले स्पीकर नहीं होते वो वाले। तो दोस्तों इस प्रकार के आप साउंड सिस्टम लेंगे तो आपको पैसा वसूल हो जाएगा दोस्तों। 25-2600 रुपये में आराम से आप इसका एक इस प्रकार के स्पीकरों का पेयर बना सकते हैं दोस्तों। अगर मेरे पास भी ये दोनों कंपनी के स्पीकर मौजूद हैं, मेरे पास यूनिवर्सल हमारा एंटोनियो की तरफ से आने वाला दोस्तों सॉरी बेल्सन की तरफ से आने वाले स्पीकर हैं। ये दोनों काफ़ी शानदार रिलायबल कंपनी दोस्तों, मैंने आपको यूनिवर्सल की कई वीडियो भी बना कर दी है मशीन की। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आप थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।